हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं दिखाऊंगी आपको लेडीज़ जैकेट का फुल मेजरमेंट, किस तरीके से मैंने जैकेट बनाई है, कितने इसमें फंदे रखे हैं, इसका पूरा तरीका आज मैं आपको बताऊंगी। बने रहें आप मेरे साथ मेरी वीडियो में, और वीडियो के एंड तक ज़रूर देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। देखिए फ्रेंड्स, इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 50 फंदे मैंने इस वाले पार्ट में रखे हैं और 50 फंदे मैंने इस वाले पार्ट में रखे हैं। 50-50 फंदे इस दोनों पार्ट में रखकर देखिए इस तरीके से मैंने इसमें डिज़ाइन बनाया है, और यहाँ पर 10 फंदे मेरे उल्टे उल्टे बटन पट्टी के रखे हैं, और जो एक फंदा मेरा सीधा है यहाँ पर, यहाँ से और यहाँ तक ये मेरा डिज़ाइन बनाया है। डिज़ाइन में इस तरफ और इस तरफ चार चार फंदे मेरे उल्टे आ रहे हैं। इस तरीके से पूरा डिज़ाइन मैंने इधर भी इस तरीके से ही सेट किया हुआ है। और इस तरीके से सीधा बनाते हुए इस जैकेट में मैंने कहीं पर भी घटाई नहीं की है। देखिए, ये पॉकेट बनाई है पर पॉकेट कहीं पर भी घटाई नहीं है। किस तरीके से पॉकेट बनाई है ये भी बताऊंगी मैं आपको। ऐसे हमें सीधे बनाते हुए जाना है, और यहाँ पर मुड्डों की भी कटाई नहीं की है, सीधा हमने यहाँ पर ऊपर गले की कटाई की है। देखिए, गले की कटाई करने के लिए ये मीडियम साइज़ की मेरी जैकेट है, और इसकी और 28 इंच इसकी मैंने लंबाई रखी है। 28 इंच इसकी लंबाई, क्योंकि ये मुझे बहुत लॉन्ग बनानी थी, ये लॉन्ग जैकेट मैंने बनाई है, तो 28 इंच मैंने इसकी लंबाई रखी है पूरी ऊपर से नीचे तक। तो मुड्ढे तो हमें इसमें घटाने नहीं हैं, तो पूरी लंबाई रखने के बाद 2 इंच पहले हमें इसमें गले की यहाँ पर घटाई की है। इन सभी फंदों को हमने यहाँ तक एक साथ घटाया है, और एक अगली सिलाई में कुछ फंदे, जितने भी फंदे हमें यहाँ पर कंधे पर रखने हैं, ये यहाँ पर मैंने 26 फंदे रखे हैं, क्योंकि ये मुड्ढे भी हमारे इसमें ही हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 26 फंदे रखे हैं। क्योंकि हमें इसमें ना ही गला बनाना है ना ही मुड्ढे बनाने हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर थोड़े ज़्यादा फंदे रखेंगे। जो हम नॉर्मल जैकेट बनाते हैं उनसे ज़्यादा फंदे हम यहाँ पर कंधों पर रख लेंगे। देखिए, 7 इंच तक मैंने इसके 7 इंच तक मुड्ढे रखे हैं। जब हम अपनी ये बीडिंग करेंगे तो तब हम इन्हें मुड्ढों को इस तरीके से अलग कर देंगे, बाकी हमें पूरी सिलाई तो इसमें करनी ही नहीं है, तो हमें इस तरीके से ही बीडिंग बनाते हुए दोनों पार्ट को हम जोड़ देंगे। और हमारी जो पॉकेट है, पॉकेट के लिए मैंने पॉकेट कैसे बनाई है इसकी फुल वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाली हुई है, आप वहाँ से देख सकते हैं किस तरीके से मैंने ये साइड वाली पॉकेट बनाई है। और इसमें चाक भी बनाए हैं, बहुत लॉन्ग वाली हमारी जैकेट है, तो इसलिए इसमें चाक बनाए हैं। चाक कितने इंच पर छोटे हैं ये भी दिखा देती हूँ मैं आपको, 7 इंच पर, 7 इंच पर मैंने इसके चाक बनाए हुए हैं। और वर्धमान की मेरी ये ऊन है, इसमें मैंने 10 नंबर की इसमें सिलाई लगाई है, 10 नंबर की सिलाई लगाकर ये डिज़ाइन बनाया है। बैक में भी सेम ये डिज़ाइन इस तरीके से बनाया है, और जब हम बैक गले की कटाई करेंगे तो उससे पहले हम ये देखिए उल्टी उल्टी 10 रो हम इस तरीके से बना लेंगे, जितने भी हमें फंदे यहाँ पर गले में रखने हैं, कंधे वाले फंदे भी इस तरीके से, जो हमारे 10 फंदे इधर आ जाएं, 10 फंदे इधर आ जाएं, उस तरीके से फिर हम बीच वाले फंदे पूरे घटा देंगे और इस तरीके से अपना गला बना लेंगे। और ये काफ़ी लॉन्ग जैकेट है, तो इसलिए इसमें ऊन भी थोड़ी ज़्यादा लगी है, तो 450 ग्राम मेरी इसमें ऊन ये लगी है,
450 ग्राम में जैकेट बनकर तैयार हुई है। और ये जो वाइट वाली ऊन है ये अलग से एक्स्ट्रा लगी हुई है, ये ज़्यादा नहीं लगेगी, ये थोड़ी कम ही लग जाएगी। ये तो हमें सिर्फ इसमें बीडिंग बनानी है इसकी। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको मेरे जैकेट का डिज़ाइन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इसके पूरे डिज़ाइन की वीडियो, कैसे इसके डिज़ाइन बनाया, किस तरीके से पॉकेट बनाई है, सब मैंने अपने चैनल पर डाला है, आप वहाँ से देख सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।